हरे कृष्णा, मैं कन्हा घनश्याम दास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोश्क JPS। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आपके पास आया हूँ एक नया वीडियो लेके। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो का विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो का महत्व है कि शिवलिंग के ऊपर शंख से चढ़ाते क्यों नहीं है जल। समझें आप, शंख में जल देके शिवलिंग के ऊपर क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे ये चीज़, ये परंपरा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को आगे ले जाएं। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे हर एक हिंदू सनातन धर्म में हर एक देव देवी के ऊपर शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन न जाने क्यों शिवलिंग के ऊपर ये चढ़ाया नहीं जाता है। तो ये बहुत गुरुत्वपूर्ण चीज़ है। आखिर क्या ऐसा है कि शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, विष्णु के ऊपर चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी के ऊपर एवं हर एक देवी के ऊपर चढ़ाया जाता है। शंख में जल लेके अभिषेक भी होता है, शिव के ऊपर में नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी कोई अगर सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह मैं अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के सामने रख सकूं और मुझे थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। तो दोस्तों, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण चीज़ है, मैं विस्तारित रूप से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शंखचूड नाम का एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था। आप लोग जानते होंगे शंखचूड नाम था उनका, और बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था। वो तीनों लोक में विजय प्राप्त कर चुका था। शंखचूड का पिताजी का नाम था दैत्यराम दम्भ। तो दैत्यराम दम्भ का एक भी पुत्र नहीं था, काफ़ी दिन हो चुका था, कोई पुत्र नहीं हुआ था उनके वंशज में। अचानक वो प्रण किए, दैत्यराज दम्भ प्रण किए विष्णु जी का तपस्या करने का। तो वो घोर तपस्या किए और विष्णु जी को एकदम सरेंडर कर दिए, तपस्या से सरेंडर कर दिए कि विष्णु जी आके उनको वरदान देने लगे। तो विष्णु जी जब प्रकट हुए उनके समक्ष, प्रकट होने के बाद दैत्यराज दम्भ को बोले कि वत्स, मैं तुम्हारा तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हूँ, तो कृपया कुछ वर मांगो। तो दैत्यराज दम्भ ने कहा, हे विष्णु जी, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी पुत्र प्रदान करें, तीनों लोक में देवताओं को जय कर पाए। तो यही बोल के विष्णु जी तथास्तु बोल के अंतर्धान हो गए और दैत्यराम दम्भ के घर पे वो शंखचूड़ नाम के दानव का जन्म हुआ। और साथ ही जन्म होने के बाद इतना पराक्रमी थे वो शंखचूड़ राज, शंखचूड़ ने अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए वो ब्रह्मा जी के तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी का आप जानते होंगे दोस्तों, ब्रह्मा जी का कहीं पूजा नहीं होता है, लेकिन एक जगह है भारत में, वो नाम है पुष्कर। वहाँ ब्रह्मा जी का एक मंदिर भी है, वहाँ उन्होंने जाके घोर तपस्या की। शंखचूड तपस्या के बल पे ब्रह्मा जी को मनमोहित कर ली। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को शंखचूड बोलने लगे, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वत्स, क्या चाहते हो बोलो। तो ब्रह्मा जी के पूछने पर शंखचूड ने कहा कि मुझे अजय बना दीजिए, कोई मुझे हरा ना सके। यही कह के ब्रह्मा जी तथास्तु कहें और शंखचूड को और एक आज्ञा दिए कि तुम तुलसी के साथ शादी कर लो, तुलसी के साथ विवाह कर लो। ये आज्ञा दिए। तुलसी के साथ शादी करने के बाद उन्होंने शादी से पहले एक वरदान दिए थे, ब्रह्मा जी कृष्ण कवच दिए थे
कृष्ण कवच के अनुसार खूब ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे शंखचूड़। तो जब वरदान प्राप्त होके वो आ गए तो ब्रह्मा जी अंतर्धान होके चले गए और वरदान के उपयोग दुरुपयोग करने लगे। तीनों लोगों में हाहाकार मचा के रख दिए। देवता लोग भयभीत होके विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी ने उन्होंने वरदान भी दिया था, उनके पापा को वरदान दिया था, पिताजी को तेजस्वी और पराक्रमी, तो विष्णु जी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर विष्णु जी सब सारे देवता मिलके शिव जी के पास गए। शिव जी जब सारे बात सुने, बात सुनने के बाद शिव जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद शंखचूड़ से युद्ध करने चले गए। लेकिन दोस्तों शंखचूड़ का इतना हैवी वरदान था कि शिव जी भी उनसे नहीं सक रहे थे। अंत में विष्णु जी एक ब्राह्मण का रूप धारण किए। ब्राह्मण का रूप धारण करने के बाद शंखचूड़ के समीप गए। समीप जाने के बाद शंखचूड़ को बोलने लगे कि ये कृष्ण कवच जो है ये दान के रूप में हमको दे दो। शंखचूड़ ने ब्राह्मण का बात का वैल्यू रखते हुए वो दान कर दिए, कृष्ण का जो कवच है कृष्ण कवच दान कर दिए। यही सुनते ही शिव जी ने उनके ऊपर प्रहार कर दिए और अपना त्रिशूल से शिव जी उनको भस्म कर दिए। और भस्म करते ही और इधर विष्णु जी तुलसी जी को अपमान कर दिए। एक तरह से अपमान बोला जाए, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण किसी को अपमान नहीं करते हैं, लेकिन अपमान मतलब अशुद्धि किए हैं। शंखचूड़ का रूप धारण करके एक रात तुलसी जी के साथ बिता दिए, तो इससे अपवित्र हो जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा था कि अगर के नारी के साथ कोई दूसरा मर्द या दूसरा पुरुष अगर उस रात पास कर दे तो उस हिसाब से उसको चरित्रहीन कहा जाता था, बहुत तरह का बातें कहा जाता था। तो उसी तरह कृष्ण जी उनको अपवित्र कर दिए, एक रात उनके साथ घुमा फिरी करके टाइम पास कर लिया, एज़ पर टाइम पास। तो तुलसी जी जब देखें कि ये तो कृष्ण है, आप मेरे हस्बैंड का रूप धारण कर लिए, अन्याय किए। और इधर शिव जी चंद्रचूड़ को भस्म कर दिए। भस्म करने के बाद उनका हड्डी से शंख उत्पन्न हुआ। इसीलिए शंखचूड़ थे विष्णु भक्त, उनके पापा भी थे विष्णु भक्त, इसीलिए शंख का पानी, शंख का जल विष्णु जी को चढ़ता है एवं हर एक देव देवी को चढ़ता है, लेकिन सिवाय शिव जी के नहीं चढ़ता है। शिव जी को स्ट्रिक्टली मना है कि शंख का जल शिव जी के लिंग पे शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका त्रिशूल से भस्म कर दिए गए थे। तो दोस्तों यही छोटा छोटा वीडियो आपके पास मैं ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल को देखने के लिए, मेरा वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो कन्हैया घनश्याम दास को आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।